क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ के लोक भवन में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। इस समय 16 प्रस्ताव मंजूर हुए हैं। लखनऊ के कुकरेल में नाइट सफारी पार्क बनाया जाएगा। वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान यानी कि लखनऊ चिड़ियाघर को कुकरेल वन क्षेत्र में शिफ्ट किया जाएगा। अब यूपी में इको टूरिज्म बोर्ड का गठन होगा। इसके अध्यक्ष खुद सीएम योगी होंगे। साथ ही डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की नई पॉलिसी भी पास हो गई है। तो योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज खत्म हुई, जिसमें 16 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। आपको बता दें कि ये 16 प्रस्ताव काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, जिसमें से एक है वन्य जीवों से जुड़ा हुआ। आपको बता दें कि यूपी कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं, जिसमें लखनऊ के कुकरेल में नाइट सफारी पार्क बनाया जाएगा। वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान को कुकरेल वन क्षेत्र में शिफ्ट किया जाएगा। इस खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। गौरव, 16 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, तमाम बाकी के प्रस्तावों की जानकारी भी चाहेंगे। कौन कौन से वो प्रस्ताव है जिन पर मोहर लगी है आज? प्रस्तावों की अगर बात करें, योगी सरकार अब दूसरे कार्यकाल में लगातार सक्रिय है और सक्रिय लेकर खास तौर से पर्यटन को चिपके देख के, इको टूरिज्म को देख के यहाँ पर बैठक हुई थी और तमाम बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए हैं। अगर हम विद्युत की बात करें तो यहाँ पर एक जो बड़ा फैसला लिया गया है वो ये कहा गया है कि जो राज्य का विद्युत उत्पादन निगम है, इसके अलावा जवाहर विद्युत उत्पादन निगम है, इसके अलावा जल विद्युत उत्पादन निगम है, इसको एक बनाया जाएगा। तीनों कंपनियां मिला के, तीनों संस्थाएं मिला के एक निगम बनाया जाएगा, जिससे क्या रहेगा, कीमतें भी कम पड़ेंगी, साथ ही साथ जो प्रेसिंग है वो बेहतर हो पाएगी और जो बिजली है वो बिजली सभी जगहों पर समूह से पहुंच पाए, खर्चे कम से कम पड़े, साथ ही साथ उनकी ट्रेसिंग हो पाए और अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचे और जो खर्च है अभी तक बिजली लगाने का वो भी कम हो। तो इसलिए तीनों जो निगम है उनको एक करने का काम किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो इको टूरिज्म को देखते हैं योगी सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिसके तहत लखनऊ में बड़ा फैसला लिया गया है कि लखनऊ में जो वाजिद अली शाह जो उद्यान है, जो कि जू है, जो कि नरई के पास है, अटल चौक के पास जू है, अजयगंज के पास जू है, इसको कुकरेल वन में स्थापित किया जाए। कुकरेल वन की अगर बात करें तो कुकरेल वन में दो फेज है अभी, फेज वन और फेज टू, और फेज टू वन और फेज टू में यहाँ पर अलग डेवलप करते हुए यहाँ पर नाइट सफारी पार्क को बनाने की बात की गई है। साथ ही साथ जो जू है स्थापित करने की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पर हम कुकरेल जो नदी है उसको विकसित करने की बात भी कर रहे हैं कि कुकरेल नदी को किस तरह विकसित किया जाए जिससे लोगों को पर्यटन के रूप में लाभ मिले, क्योंकि सरकार जो केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना है उसको भी क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रदेश के हर जिले में यहाँ पर 70 तालाब बनाने की योजना है वो भी चल रही है, तो इको टूरिज्म को देखते हुए यहाँ पर काम किया गया। साथ ही साथ जो कैदियां हैं, जो कैदी हैं, जेल मैनुअल के रूप में बदलाव किए गए यहाँ पर, जो जेल मैनुअल के हिसाब से जो कुख्यात अपराधी हैं उनको आजमगढ़, लखनऊ, कोटन नगर, राजपुर जेल में यहाँ पर रखा जाएगा। साथ ही साथ जो जो अपराधी जो कैदी रहेंगे उनकी श्रेणी भी बांट दी गई है। इसके अलावा जो कैदी बेहतर रहेंगे तो उनको उसके लिए में जो फरार करते हैं उसका व्यवस्था भी की गई है। काला पानी की सजा को जो है वो पहले दिया थी उसको खत्म कर दिया गया है। तो जेल मैनुअल को लेकर भी यहाँ पर काम किया गया है, इको टूरिज्म को लेकर यहाँ काम किया गया है, विद्युत जो निगम को लेकर यहाँ पर काम किया गया, तीनों निगम को बनाकर यहाँ पर एक बनाया जाएगा। तो निश्चित रूप से साथ ही साथ यहाँ पर दो नगर पंचायतों का भी निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत आपको बता दूं मैं कि प्रतापगढ़ में मतदाता बनाई जाएगी। तो इस तरह के तमाम प्रस्ताव पास हुए हैं। साथ ही साथ उम्मीद की जा रही थी कि औद्योगिक नीति को लेकर यहाँ पर प्रस्ताव पास हो गए, हालांकि ऐसे कोई प्रस्ताव जी बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े हैं। तो कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को आज मंजूरी मिल गई है, जिसमें इको टूरिज्म भी एक है। रुक करते अगली खबर की तरफ। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर एक अनोखी पहल की। रामगढ़ ताल के नौका विहार पर 15 अगस्त की शाम को अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां पर जुटे 1 लाख से अधिक लोगों ने हाथों में तिरंगा लेके राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया। इस मौके पर जिलाधिकारी कृष्ण कुरुशेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर समेत कई अधिकारीगण मौजूद रहे।
तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये रामगढ़ ताल की है जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी के हाथों में तिरंगा दिखाई दिया और काफी यादगार बनाया गया है इस बार का स्वतंत्रता दिवस। गोरखपुर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लोगों के हाथ में तिरंगा तो दिखा, सारे लोग एक साथ मौजूद होके हाथ में तिरंगा लेके साथ ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाते हुए नजर आए। एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया गया है गोरखपुर में, 1,00,000 लोगों ने तिरंगा लेकर राष्ट्रगान एक साथ गाया है, राष्ट्रगीत गाते हुए भी नजर आए हैं। तस्वीर देख सकते हैं आप, रामगढ़ ताल की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां आजादी का भव्य महोत्सव मनाया गया और लोगों की भीड़ ने इसमें और 4 चांद लगा दिए। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से इस द्वार को तिरंगामय बनाया गया है, साथ ही साथ रामगढ़ ताल झील में जो बोट है उसको भी तिरंगे के रंग से सजाया गया और देशभक्ति की एक अलग ही झलक देखने को मिली इस स्वतंत्रता दिवस। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, लाइट गुब्बारों के साथ झंडे लगाए गए हैं, इस नौका को सजाया गया है, एक आकर्षण का केंद्र बना है। इस बार पूरा देश तिरंगे रंग में रंगा हुआ नजर आया है। एक अनोखी पहल की गई थी हर घर तिरंगा अभियान, जिसके तहत सभी ने अपने घरों पर चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो तिरंगा जरूर लगाया और इस आज़ादी के जश्न में अपनी सहभागिता दी। इस आज़ादी के पर्व में अपनी सहभागिता के साथ एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि 20 करोड़ तिरंगे लगाने का लक्ष्य था जिसे पूरा किया गया है और हर घर पर तिरंगा लहराया है इस बार। तो ये हम आपको गोरखपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पे किसी त्योहार से कम नजर नहीं आ रही है। इस तस्वीरों में हम साफ तौर पे देख सकते हैं किसी त्योहार के मेले की तरह ये तस्वीरें नजर आ रही हैं जहाँ पे लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, ना कि इसे छुट्टी की तरह मनाया गया, एक पर्व की तरह मनाया गया है और लोगों ने घर से बाहर निकल कर हाथों में तिरंगा लेकर एक साथ एक धुन में राष्ट्रगान गाया, राष्ट्रगीत गाया, देश भक्ति में लीन नजर आए। देश की आज़ादी में जिन शहीदों का योगदान रहा है, जिन बलिदानियों का योगदान रहा है, उनको याद किया, उन्हें नमन किया, उनके जितने भी योगदान रहे हैं उन सबको याद किया गया है। आज की युवा पीढ़ी को बताया गया इस बार के आज़ादी के इस पर्व पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में एक संदेश देने की कोशिश थी, एक संदेश युवाओं को था, आने वाली पीढ़ी को था, उनको ये बताना मकसद था कि कितनी बलिदान के बाद हमें ये आज़ादी मिली है, इस आज़ादी के महत्व को बताना ज़रूरी था, क्योंकि जो आज के समय में आज़ादी का महत्व है वो कहीं ना कहीं युवा भूलता जा रहा है, लोग भूलते जा रहे हैं, अपनी आज़ादी का दुरुपयोग करते हुए लोग नजर आते हैं और इसी को याद दिलाने के लिए इस बार का जो अमृत महोत्सव था वो काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। अलग अलग जगह पर LED स्क्रीन्स लगा के कई चलचित्र के माध्यम से शहीदों के बलिदान को दिखाया गया, तो कहीं कहीं देशभक्ति के गीतों से पूरा समा बांधा गया और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं 1,00,000 लोगों ने तिरंगा लेकर राष्ट्रगान किया। यूपी में कई जगह अलग अलग तरह से उत्सव मनाया गया आज़ादी का। अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक को रोक कर सभी ट्रैफिक सिग्नल्स पर राष्ट्रगान गाया गया। राष्ट्रगान की धुन पर सभी लोग देशभक्ति की धुन में डूबे हुए नजर आए। तो वहीं हम आपको इस वक्त गोरखपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां 1,00,000 लोग मौजूद हुए, हाथों में तिरंगा लेके देशभक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आए। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर एक अनोखी पहल की। रामगढ़ ताल के नौका विहार पर 15 अगस्त की शाम को अद्भुत नजारा देखने को मिला है। यहां पर जुटे 1,00,000 से अधिक लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान जनगणमन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया। इस खबर पे हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जिस तरह से आजादी का पर्व मनाया गया, ये त्योहार उत्सव जिसमें कोई कमी नहीं देखने को मिली, हर एक भारतीय ने अपनी सहभागिता दी है और गोरखपुर से जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं एक बड़ा संदेश देते हुए नजर आ रही है। 1,00,000 लोगों ने एक साथ तिरंगा लेके जिस तरह से राष्ट्रगान राष्ट्रगीत गाया है, देशभक्ति की भावना साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और क्या कुछ कार्यक्रम हुए गोरखपुर में? बता दें कि 15 अगस्त की देर शाम तक जो है
लाखों की संख्या में लोग आ गए। ये तो अंदर की बात रही जहां कार्यक्रम किया गया था, लेकिन गेट से जब एंट्री नहीं पाता है जो लोग, वो इतनी भारी संख्या में थे कि आपको, आप देखिए बताएं कि हम लोग वहां कवरेज करने गए थे तो हम लोग को जाने की स्पेस नहीं मिल पा रहा था, कई घंटों की जाम लग चुका था और लोग लाखों की संख्या में वहां खड़े थे, 1 लाख की संख्या में लोग अंदर ही खड़े हुए थे। जो ऐसा लग रहा था, रामगढ़ की छवि बता दें कि जैसे अमृत सरोवर के पास अपने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और पूरी तरह से विधायक से लेकर के सांसद से लेकर के हर कोई वहां मौजूद था, आला अधिकारी और जीडीए का ये गोरखपुर विकास प्राधिकरण इस बार इसकी पहल किया होता और पूरी तरह से सरोवर था वहां पे, लोग भक्ति की भावना में एकदम सरोवर थे जी। हिमांशु, अगर मंदिरों की बात करी जाए तो इस बार मंदिरों मस्जिदों में भी क्या देशभक्ति की अलग ही झलक देखने को मिली, तिरंगे सजे हुए देखने को मिले? जी सीधा आपको बता दें कि पूरी तरह से जितने भी मंदिर थे उनको सजाया गया था और कई मंदिरों में तो लाइटिंग भी अच्छी की गई थी जिससे लग रहा था एकदम तिरंगा की तरंग दी गई थी, एकदम उसकी तरह से लोग आते जाते उस तरह जो है देख रहे थे और कई लोग वीडियो बना रहे थे। और मदरसों की बात करें, मस्जिदों की बात करें, वहां भी तिरंगा लगाया गया, मदरसों में भी कार्यक्रम किया गया है, बच्चे वहां पर राष्ट्रगान गाए हैं, राष्ट्रगीत गाए हैं और पूरी तरह से लोग इस बार 75वां जो आजादी का वर्षगांठ था उसको मनाए हैं, अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, घर घर तिरंगा। और बता दें कि पूरी तरह से गाड़ियों से लेकर के हर जगह तिरंगे को लगाया गया था, अनूठी घटा छाई हुई थी यहाँ पे। और रामगढ़ साहब की बात करें तो वहां तो अगर कहते हैं कि हवा में फूल फेंका जाए तो वो भी जमीन पे नहीं आता था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव जुड़े थे। खबर गाजीपुर से है जहां बाहुबली ब्रजेश सिंह की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई, इस दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। बता दें ये सार अब मामला बाहुबली मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमला का है और इस मामले में अगली कार्रवाई 29 अगस्त को होगी। 2001 में मुख्तार अंसारी आदि के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और उसमें 3 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, उसी मामले का विचारण इस न्यायालय में एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर में चल रहा है। उसी में जमानत होने के बाद पिछली तिथि पर आज ब्रजेश सिंह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आए थे और अगली तिथि 29/8/2022। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। 29 अगस्त को अब मामले की अगली सुनवाई होगी जब कार्रवाई की जाएगी। बाहुबली ब्रजेश सिंह की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। गाजीपुर से खबर है जहां बाहुबली ब्रजेश सिंह की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई, इस दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। ये सारा मामला बाहुबली मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमला का है और इस मामले में अगली कार्रवाई 29 अगस्त को होगी। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें पेशी की हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम रहे। बाहुबली मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला किया था, जानलेवा हमला था ये, जिसके बाद बाहुबली ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था और एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई है। इस दौरान पुलिस की जो व्यवस्था है वो तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से चाक चौबंद रही पूरी व्यवस्था, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रजेश सिंह की जान को भी खतरा बताया जा रहा था और ये सारा मामला बाहुबली मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमला का है और इस मसले में अगली कार्रवाई 29 अगस्त को होगी। अब देखना यह होगा कि 29 अगस्त को कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्या कुछ कोर्ट की कार्रवाई में देखने को मिलता है। बाहुबली ब्रजेश सिंह जिसका नाम जुड़ा है मुख्तार अंसारी से, मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमला किया था जिसके बाद से ये सुर्खियों में बना और अब इसकी पेशी हुई है और लगातार कानून की कार्रवाई देखने को मिल रही है।
रुक करते अगली खबर की तरफ। खबर अयोध्या से है, जहां शहर से सटे अयोध्या लखनऊ हाईवे पर थाना कैंट क्षेत्र में बने कालिका हवेली रेस्टोरेंट में अधिवक्ताओं और रेस्टोरेंट कर्मचारियों की मारपीट के मामले ने तूल पकड़ ली और इस मामले में कार्रवाई न होने का आरोप लगाकर सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता सड़क पर उतर आए। इसके साथ ही उन्होंने अयोध्या सादतगंज मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अयोध्या से ये खबर सामने आ रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से अधिवक्ता मौजूद हैं। लखनऊ हाईवे पर कैंट क्षेत्र में बने कालिका हवेली रेस्टोरेंट का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पे अधिवक्ताओं और रेस्टोरेंट कर्मचारियों की मारपीट के मामले ने तूल पकड़ ली है और इस मामले में कार्रवाई ना होने का आरोप भी लगाया गया है। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता सड़क पर उतर आए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अधिवक्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है। उन्होंने अयोध्या शादतगंज मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है, पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करते हुए नजर आए, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। वकीलों से कर्मचारियों ने मारपीट की है, जिसके बाद वकीलों में काफी रोष देखने को मिल रहा है और इसी गुस्से के तहत सभी भारी संख्या में अधिवक्ता सड़क पर उतरे, नारेबाजी करते हुए नजर आए और साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने के साथ ही उन्होंने कई सवाल भी उठाए हैं। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं अयोध्या से। राघवेंद्र, जिस तरह से ये मामला सामने आया है और प्रशासन के ऊपर सवाल उठाते हुए अधिवक्ता नजर आ रहे हैं, पूरे मामले की जानकारी चाहेंगे, कैसे शुरुआत हुई और क्या विवाद हुआ? जी बिल्कुल शिखा, अगर बता दें तो ये पूरा मामला जो है 13 अगस्त की देर रात का है, लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच का है। आपको बता दें कि लगभग 5-6 अधिवक्ता जो हैं वो कालिका हवेली पे खाना खाने के लिए जाते हैं, जो कि वहां पे उनको खाने के अंदर में बाल मिलता है और बात इसी को लेकर के इतनी बढ़ जाती है कि वहां पर जो अधिवक्ताओं का आरोप लग रहा है कि मारामारी की स्थिति नौबत हो जाती है। उसके बाद की अगर बात की जाएगी तो कालिका हवेली के जो कर्मचारी हैं ये लोग अधिवक्ताओं को मारने पीटने का काम किए हैं, उनको लाठी और रॉड से मारा है। अधिवक्ताओं का ये आरोप लग रहा है कि पुलिस प्रशासन जो है वो अभी जो नामजद आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रहा है। बहरहाल पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार छानबीन कर रही है आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए। अगर बता दें आज की बात तो आज सुबह जो अयोध्या कचेरी के जो जितने अधिवक्ता हैं वो सड़क पर आ गए। अगर बात करेंगे तो सड़क पे आने के बाद ये पूरा जो अयोध्या और शहादतगंज का रोड जाता है उसको उन्होंने जाम कर दिया था। जाम करने के बाद काफी मशक्कत अगर पुलिस को करनी पड़ी है। उसके बाद ये बातचीत किए हैं अधिवक्ताओं से। अगर बात करेंगे यहाँ के जो बार के अध्यक्ष हैं कालिका मिश्रा जी से बात हुई है, अगर वो उनको मान मनोबल किया गया है, उसके बाद जो है वो रास्ता जो है उसको खोले हैं। जी जी, अगर बात करी जाए रेस्टोरेंट के मालिक की तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है, क्या वो कोई एक्शन लेंगे इन कर्मचारियों के ऊपर? देखिए अगर बात करेंगे रेस्टोरेंट के मालिक की तो वो कह रहे हैं कि ये उनका ये डायरेक्ट सीधा आरोप अधिवक्ताओं के ऊपर ये लग रहा है कि ये लोग शराब के नशे में थे और ये जब इनसे पैसा मांगा गया तो ये गाली गलौज करने के लगे और मारपीट करने पर आमादा हो गए। बहरहाल कि अभी जो है वो रेस्टोरेंट मैनेजर की जो तहरीर देने की बात आ रही थी, अभी तहरीर कोई रेस्टोरेंट मालिक के तरफ से नहीं पड़ी है, ना ही उनके मैनेजर के तरफ से पड़ी है। अगर बात करेंगे उसके मैनेजर के लिए तो अधिवक्ताओं का सीधा आरोप लग रहा है कि मैनेजर जो है वो सीधे तौर पर गाली गलौज सबसे पहले मैनेजर ही चालू किया है। जी इसी का जी, राघवेंद्र के रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरे लगे थे जिनको देख कर पता चल सके कि किसकी तरफ से मारपीट पहले शुरू करी गई है और दोनों तरफ के आरोप सुनने के बाद पुलिस ने क्या कदम उठाया है?
बिल्कुल, अगर पुलिस की बात करेंगे तो सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है पुलिस, और इसमें अगर बात कर रहे हैं पुलिस विभाग का ये तौर पर कहना है कि दोनों तरफ से जो है बढ़ते बढ़ते मामला वकीलों के तरफ से भी और इसके जो रेस्टोरेंट के मैनेजर है इनका भी दोनों तरफ से मारपीट का नौबत आ गई थी। उसके बाद जो है रेस्टोरेंट के पहले जो कर्मचारी हैं उन्होंने वकीलों के ऊपर हाथ छोड़ा। जी जी, तो पुलिस ने अभी तक इसमें क्या कार्रवाई करी है, क्या कि दोनों में से किसी की तरफ से शिकायत दी गई है पुलिस को? देखिए, बात करेंगे अगर पुलिस की तो मुकदमा पंजीकृत किया गया है मारपीट की धाराओं में 323, 504, 506 और जिसमें 325 भी है जो कि फ्रैक्चर का भी आता है, और लगभग अगर मुकदमा धाराएं बढ़ेंगी तो संगीन अपराध में ये आ जाएगा जिसमें फ्रैक्चर का आता है और सिर में चोट लगी है जिसमें उनका सिर भी फटा है, तो बहरहाल 307 या 308 का भी केस दर्ज हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा जुड़े थे। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।